नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए हर रोज़ लेके आते हैं जीके जीएस, हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर, सभी जो हमारा फुल सिलेबस वीडियो चली हुई है उसी का आज एक और पार्ट हम करेंगे, जिसमें दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर प्लस क्वेश्चंस कि ये वीडियो आपको मिलेगी। दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, तैयारी ज़ोरदार तरीके से करते रहें। आने वाले जुलाई और अगस्त में आप सभी के एग्ज़ाम लाइन अप कर दिए गए हैं दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट एचएससीसी के द्वारा। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस हम अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है अमित पंघाल, आईओसी। आईओसी है दोस्तों इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा जारी दोस्तों एक रैंकिंग जारी की है, वर्ल्ड रैंकिंग। अमित पंघाल आपको, आप सभी जानते हैं, 52 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, उसमें दोस्तों दुनिया के नंबर वन बॉक्सर बने हैं अमित पंघाल। अमित पंघाल की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इनका जन्म 16 अक्टूबर 1995 का दोस्तों मायना रोहतक के अंदर, रोहतक जिले का एक गाँव है मायना, वहाँ हुआ था। दोस्तों, इनकी खूबियों की अगर बात करें तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो गोल्ड मेडल मिला था ना 2018 में जीता था, जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दो तीन क्वेश्चन हैं, एक बुक से और दो डेज से क्वेश्चन है, नेशनल में काफ़ी पूछे जाते हैं, नेशनल जीएस के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक पुस्तक है क्रांति 2020 यानी रेवोल्यूशन 2020 दोस्तों, पुस्तक है चेतन भगत की। चेतन भगत दोस्तों बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें एग्जाम्स में दोस्तों पूछी जाती हैं। उसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे दोस्तों, ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के विश्व संवाद केंद्र संस्था ने ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दोस्तों, आप सभी को पता है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक जो है ना स्थापित किया हुआ विश्व संवाद केंद्र संस्था ने। ये प्लाज्मा वही लोग डोनेट करते हैं दोस्तों जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, उन्हीं का प्लाज्मा लिया जाता है, ताकि जो कोविड-19 से पेशेंट अभी फिलहाल जो बीमार हैं तो उनको ये प्लाज्मा दोस्तों दिया जाता है। तो डोनेट करने के लिए ऑनलाइन बैंक संवाद केंद्र संस्था ने शुरू किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन दिल्ली से फरूखनगर तक 14 जुलाई 2017 को चलाई गई थी। दोस्तों, सौर ऊर्जा पर हमारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जोर दे रही हैं दोस्तों, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है दोस्तों, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ से बैटरी और जो सोलर पावर है उन्हीं के दोस्तों सहारे पावर को स्टोर किया जाता है बैटरियों में, और उसके द्वारा फिर उसे बाद में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा से पहली ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली से फरूखनगर तक 14 जुलाई 2017 को दोस्तों चलाई गई थी। उसके बाद हरियाणा का राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष चंडीगढ़ में दोस्तों स्थापित किया गया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनकी बहुत सारी कालाबाजारी हो रही थी, बहुत महंगे महंगे सिलेंडर दोस्तों मिल रहे थे। तो उसी को देखते हुए हरियाणा ने एक राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष दोस्तों चंडीगढ़ में स्थापित किया था। उसके बाद दोस्तों, भारत में दोस्तों एकमात्र देवी सीता का मंदिर या सीता माई मंदिर जो दोस्तों आपके करनाल में है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, और यहाँ पे छोटी माता चिकन पॉक्स का हम देसी भाषा में अगर बात बताएं तो झाड़ा लगाया जाता है, दवाई, देसी दवाई यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, किदवंती के अनुसार पृथ्वी ने माता सीता को या धरती ने माता सीता को अपने अंदर संभाली थी। दोस्तों, जो सीता माता हैं श्री राम जी की पत्नी, उनको पृथ्वी ने या धरती ने अपने अंदर यहाँ से संभाल लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। हरियाणा शतरंज संघ का दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले, गठन कब हुआ था 2008 में। अगर आपसे इसके हेड भी पूछ लेना, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1971 को। इसके महासचिव हैं प्रवीण अत्री और इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों चंडीगढ़ में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ जो है दो संयुक्त प्रदेशों की राजधानी है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और उसके अलावा चंडीगढ़ जो एक यूटी है, चंडीगढ़ की राजधानी भी दोस्तों चंडीगढ़ ही है। तो दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान दोस्तों, ये हमारे पंचकुला में बनेगा। इसका शिलान्यास जो है ना दोस्तों, केंद्रीय मंत्री थी उस टाइम पर स्मृति ईरानी,
इन्होंने शिलान्यास किया था दिसंबर 2016 में। दोस्तों इसका निर्माण कार्य जो है ना वो 5 जनवरी 2018 से शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य पूरे करने की बात बताई गई है दोस्तों 15 अगस्त 2021 तक। तो निफ्ट जो है दोस्तों पंचकुला में बनेगा। उसके बाद दोस्तों एक योजना चलेगी थी सीएम विंडो योजना। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं सीएम विंडो योजना के अंदर क्या था, किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो या किसी की कोई कंप्लेंट दायर करनी हो सीधी सीएम तक पहुंचाने के लिए, अपने मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाने के लिए एक योजना चलाई गई थी सीएम विंडो योजना। क्योंकि दोस्तों इस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, जो भी आप अप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं शिकायत करते हैं। दोस्तों ये योजना चलाई गई थी 25 दिसंबर 2014 को। क्वेश्चन यहाँ से क्या है दोस्तों कि एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि सीएम विंडो योजना को कब लॉन्च किया गया था, कब चलाई गई थी, तो 25 दिसंबर 2014। उसके बाद क्वेश्चन क्या है जो है दोस्तों बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ जो है झज्जर जिले का एक ब्लॉक है, तो बहादुरगढ़ प्रथम ब्लॉक था जहां पर सीएम विंडो के अंदर स्थापित हुआ था। अब तो सीएम विंडो के अंदर हर जिले में स्थापित है। उसके बाद बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का पहले दोस्तों मैं आपको अर्थ बताता हूँ क्या है। जिसके देखिए दोस्तों अपने हरियाणा जो है धान का कटोरा कहा जाता है अपने हरियाणा को, अपने हरियाणा में भी कई जिले हैं जो संयुक्त रूप से धान का कटोरा है। तो दोस्तों धान की खेती अगर हम करते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक योजना चलाई जाए मेरे पानी मेरी विरासत योजना। इसे दोस्तों क्या है कि धान किसान अपने खेत में धान न लगाकर धान की जगह ज्वार मक्का बाजरा दोस्तों लगाए तो पानी की बचत होगी, जिससे और सरकार उसी के साथ 1 एकड़ के लिए 7,000 रुपये भी किसान को देगी। तो दोस्तों इससे पानी की बचत होगी, इसलिए ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है। दोस्तों ये योजना चलाई थी 6 मई 2020 को। और दोस्तों इसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मनिका श्योखंद, जो फेमिना मिस इंडिया थी दोस्तों मनिका श्योखंद। उसके बाद है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में 1748 स्क्वायर किलोमीटर व 3.95% भाग पर वन है। उसके बाद दोस्तों देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया, वह 1935 में इंडियन फॉरेस्ट विभाग बना था, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बार दोस्तों आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों ये है देहरादून में। और अगर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की दोस्तों अगर बात पूछे कब हुई थी तो ये हुई थी 1981 में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट वगैरह करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे चलते हैं बीआरओ। बीआरओ की फुल फॉर्म दोस्तों आपके लिए है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बीआरओ का क्या काम है देखिए आप फुल फॉर्म से भी समझते होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्डर पे रोड बनाने वाली संस्था बीआरओ। दोस्तों ये जो है ना भारत के जिस भी देश के साथ बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे अगर रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है तो दोस्तों वो काम करता है बीआरओ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो बीआरओ से है क्वेश्चन है, इसकी एक पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है, तो वो उसका नाम है दोस्तों वैशाली हिवासे। दोस्तों अगर बीआरओ की स्थापना की बात करें ना कब हुई तो ये हुई है 1960 में दोस्तों। और किसके टाइम पे हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बीआरओ की स्थापना की थी। अगर बीआरओ के हेडक्वार्टर की दोस्तों मैं बात करूँ नई दिल्ली में है और इसके डीजी डायरेक्टर जनरल जो है वो है राजीव चौधरी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है सदन संदेश। देश के दोस्तों आपसे बहुत सारी साहित्य अकादमियों की भी पुस्तिका पूछ ली जाती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता दोस्तों। तो हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है सदन संदेश। उसके बाद दोस्तों हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, देखिए दोस्तों गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है श्रवण कुमार गर्ग। उसके बाद हरियाणा पर्यटन आयोग के चेयरमैन है रणधीर गोलन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों सड़क परिवहन से एक दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब हरियाणा बना था ना 1 नवंबर 1966 को, देखिए आप जानते हैं दोस्तों हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, हरियाणा में 7 जिले थे। और उस टाइम पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में सड़कों की लंबाई उस टाइम थी 8137 किलोमीटर 8137 किलोमीटर थी, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे वर्तमान मेट प्रेजेंट 2021 तक हरियाणा में सड़कों की लंबाई दोस्तों 38,499 किलोमीटर हो चुकी है। और राज्य में दोस्तों अगर बात करें ना कुल 100 माफ कीजिए राज्य में कुल बस डिपो की बात करें ना 100 हैं माफ कीजिए दोस्तों 24 है राज्य में कुल बस डिपो 24 हैं। और सबसे पहले बस डिपो की बात करें तो अम्बाड़ा था जो 7 सितंबर 1950 को बना था। और दोस्तों जो अम्बाड़ा बस स्टैंड आप जानते भी होंगे उसका नाम बदलकर अभी फिलहाल सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया था, अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य परिवहन जो हमारी रोडवेज शाखाएं हैं या राज्य परिवहन जो है रोडवेज से रिलेटेड दोस्तों इनका वर्कशॉप
जो इनका वर्कशॉप है वो मुरथल सोनीपत में है दोस्तों, यानी जहाँ पे इनकी रिपेयरिंग वगैरह होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। हरियाणा में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो हरियाणा राज्य सरकार है दोस्तों, उसने यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 में कर दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, सड़कों से रिलेटेड क्वेश्चन था। राज्य में सड़कों का सबसे कम घनत्व, घनत्व यानी दोस्तों डेनेस्टी, डेनेस्टी सबसे कम है जींद की। अगर ज़्यादा की बात करें दोस्तों इसी क्वेश्चन से, ज़्यादा की बात करें तो अम्बाड़ा। उसके बाद देखिए दोस्तों, पक्की सड़कों से संबंधित क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई। देखिए दोस्तों, जो जिला सबसे बड़ा होगा जाहिर सी बात है वहाँ पर लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। पहले लंबाई होती थी भिवानी साइड में, क्योंकि भिवानी दोस्तों उस टाइम पर चरखी दादरी अलग हुआ था और भिवानी बहुत बड़ा एरिया था, तो भिवानी में सड़कों की लंबाई ज़्यादा होती थी। दोस्तों आज सिरसा सबसे बड़ा जिला है, तो सिरसा में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कम तो आप जानते हैं दोस्तों, पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई पंचकुला में, जो छोटा सा अपना जिला है हरियाणा का। उसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा आयुष विभाग का नया निदेशक कौन बना है? हरियाणा आयुष विभाग का नया निर्देशक बना है दोस्तों सुनील सारवान। तो दोस्तों ये थी आज की आपके लिए ये वीडियो जानकारी, आपको कैसी लगी? वीडियो को देखने के बाद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों अपनी तैयारी को पुख्ता रखे रहिए। आने वाले जुलाई और अगस्त माह में आपके बिल्कुल एग्ज़ाम हैं। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आपके हरियाणा जीएस से कोई भी क्वेश्चन गलत हो। आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगे या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके आंसर, आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।